ओएलएक्स पे किसी भी स्कैमर को हम कैसे जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेंशन मत लो मैं बताता हूँ। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। गैस मैंने आज से कुछ महीनों पहले जो है अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे साथ जो है एक ओएलएक्स पे एक बंदे ने फ्रॉड करा था, यानी वो एक स्कैमर था ओएलएक्स पे। एंड गैस उस वीडियो पे आपने क्या ही रिस्पॉन्स दिया, एंड गैस आप में से काफी सारे लोग जो है उसका नाम भी जो है सही गैस कर लिए थे। एंड मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, वो जो है एक बंदा फेक जो है आर्मी ऑफिसर, या फिर आप बोल सकते हो एक फेक जो है ऑफिसर बनने की जो है प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन वो एक्चुअली ऑफिसर नहीं था। एंड मैं आप सभी को बताया कि यहाँ पे इसमें OLX की कोई भी गलती नहीं है, OLX is a very good platform, but guys यहाँ पे जो लोग हैं इस तरीके से फ्रॉड करते हैं, इससे जो है आपको बच के रहना चाहिए। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे जो है यहाँ पे आप सभी जो है किसी भी स्कैमर या फिर किसी भी फ्रॉड बंदे को या फिर किसी फ्रॉडेंट को जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो एक फ्रॉड बंदा है या फिर एक जेन्युइन बंदा है कि नहीं। तो इस वीडियो बताने वाला हूँ, वीडियो आपका एंड तक देख रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू करते हैं। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यहाँ पे आप सभी को इन सब टिप्स को जो है फॉलो करना है, यानी मैं टोटल छह तरीके बताने वाला हूँ, तभी जो आप सभी को ये वर्क करेगा। सबसे पहले तरीके के बारे में बात करते हैं जो है यहाँ चेक द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। गाइस यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेक करनी है, जैसे कोई भी अकाउंट होता है यहाँ पे OLX पे, वहाँ पे आप सभी को चेक करना है कि उस बंदे ने जो है कब जो है उस OLX अकाउंट को क्रिएट करा या फिर कब जो है OLX ज्वाइन करा है। यहाँ पे अगर जो है बहुत जल्दी है, अगर आप अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त आ जाएगा, अगर उसने अगस्त में ही करा है तो आप वो कोई अच्छी सी डील दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि कुछ जो है फ्रॉड हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर उसने अपने से रिलेटेड या फिर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो गाइस आप ये समझ जाइए कि वो एक फ्रॉड बंदा है। बहुत से लोग होते हैं नया नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेकिन वो जो आपको अलग से पता चल जाते हैं। बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में जो है यहाँ पे फोर्सिंग टू मच टू बाय। अब गाइस बहुत से लोग क्या होते हैं, जैसे आपने कोई भी एड देखी, कोई भी यानी जो आती है पोस्ट, आपने उस पर रिप्लाई करा, आपको जो है बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है, आपने उससे बात करी, बहुत ज्यादा वो आपको फोर्स कर रहा है कि लो भाई खरीद लो खरीद लो, ये वो ये वो ये है वो है, तो गाइस आप समझ जाओ कि वो जो है आपके साथ स्कैम कर सकता है। यहाँ पे 100% चार्जेस नहीं होते, क्योंकि बहुत से लोगों की जो है यहाँ पे मजबूरी भी होती है सेल करने की कि आपके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन अगर बहुत से लोग यानी आप वहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखा रखी है 20,000-30,000 की और वो आपको बोल रहे हैं 4,000-5,000 में ले लो, तो गाइस इतना कम तो कोई भी नहीं करता। 20,000 का कोई भी प्रोडक्ट है या फिर फोन है तो वहाँ पे जो है वो 3,000-4,000 या 2,000 भी कम कर लेगा तो इतना चलता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ही कम कर लिया, बिल्कुल उसका आधा कर दिया, 25% कर दिया, तो आप समझ जाइए कि वो कुछ फ्रॉड कर रहा है। तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं जो है यहाँ पे चेक द प्रोडक्ट सीरियल नंबर, IMEI नंबर एंड मोर। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो एक फोन हो सकता है, चाहे कोई भी टीवी हो सकता है, चाहे वो कोई भी यहाँ पे आपका लैपटॉप हो सकता है, कोई भी मॉनिटर हो सकता है, तो जैसे ही वो आपको सेल कर रहे हैं या फिर आप उससे डील कर रहे हैं, तो आप जो है उससे प्लीज एक बार करके या फिर जो भी आप कॉल पे बात करके आप बोल सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का जो आप सीरियल नंबर या फिर आईफोन है तो आप जो उसका IMEI नंबर मॉडल नंबर जो है दे सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उसको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कोई भी सैमसंग का फोन है, आईफोन है, आईफोन तो बहुत ईजी होते हैं चेक करना, तो आप जो है उसको जाके चेक कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको काफी सारी वीडियोस दिख जाएगी यूट्यूब पे, तो आप चेक कर पाएंगे कि वो जो है एक वैलिड परचेस है या नहीं, एंड उसकी आपको वारंटी और ये सब देखने को मिल जाएगी कब परचेस करा था ये सब, तो एक्चुअली वो जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। अगर वो बंदा कह रहा है, जैसे मेरे साथ ही हुआ था, वो कह रहा भाई मैंने अभी फोन खरीदा है 10 महीने पहले, एंड वो जो है फोन एक्चुअली 2 साल पुराना था, तो ये लोग करते हैं। अगर आप इस तरीके से चेक करोगे यानी इस तरीके से देखोगे तो आपके साथ बहुत कम स्कैम होने के चांस। हमारी फोर्थ चीज के बारे में जो है यहाँ पे लेस टू पे ऑनलाइन एंड एडवांस। अब गाइस कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी आपको बंदा बोल रहा है कि भाई आप जो है इतना एडवांस पहले पे कर दो या फिर इतना जो है ऑनलाइन पे कर दो या फिर आप पूरा ऑनलाइन पे कर दो, तो गाइस मैं आप सभी को प्रेफर करूंगा कि ऑनलाइन आप जो है पेमेंट करने से बचे, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या हो सकता है, मेरे साथ भी जो हुआ था वो बंदा बोल रहा था कि आधा जो आप अभी दे दो, आधा जब डिलीवर हो जाए तब दे देना, फिर जब मैंने उससे आगे उसका स्कैम पकड़ा तो भाई क्या ही बोलूं मैं, अगर आधा उस टाइम देता तो मेरे साथ ये स्कैम हो जाता। तो बहुत से लोग होते हैं वैसे दूर होते हैं आपसे, वैसे तो जो OLX आपके आसपास वाले दिखेंगे, आप भी जो आसपास वाला ढूंढोगे, लेकिन अगर आपको कोई भी कह रहा है कि एडवांस दे दो ये सब, तो आप एडवांस देने से बचो। आप ये कह सकते हो कि आप हम मिल लेंगे, हम बात कर लेंगे, बाकी हम वहां पे जो उनके सामने मिलके ऑनलाइन पे कर सकते हो, लेकिन ये मत करो कि आप घर पे बैठे हो, वो अपने घर पे बैठा है, कहीं भी ऑफिस में बैठा है, आप जो है यहाँ से उसको 10,000 ट्रांसफर कर दो और भाई आपके पैसे गए, तो इस तरीके से आपको नहीं करना, आपको जो है यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ चीज के बारे में जो है यहाँ पे वीडियो कॉल प्रोडक्ट और पर्सन। अब गाइस क्या होगा, जो भी वो पर्सन है या फिर कोई भी बंदा है जो उस साइड बैठा है आपसे जिससे परचेस कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई हमें जो
है ये प्रोडक्ट की वीडियो कॉल करा दो, या फिर आप जो है इस पर्सन की वीडियो कॉल कर लो, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो आप कह दो कि भाई मेरे को ये वीडियो कॉल पे दिखा दो, चाहे आप किसी पे भी जूम पे कर लो, इंस्टाग्राम पे कर लो, व्हाट्सएप पे कर लो, तो आप कह सकते हो कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे को वीडियो कॉल पे दिखा दो कि इसमें क्या क्या कंडीशन है, कैसा फोन है, टच कैसा है, ये सब फिजिकली कैसा दिखता है। एंड अगर हो सके तो आप भी जो है उस बंदे को देख लो कि वो बंदा कैसा है एक्चुअली, जो प्रोफाइल में है OLX की वही वो बंदा है या फिर कोई और बंदा है। और जहां तक मैं आप सभी को प्रेफर करूं, जब भी आप ये वीडियो कॉल कर रहे हो या फिर कॉल पे बात कर रहे हो, तो रिकॉर्डिंग जरूर से कर लेना भाई। मैं तो एक आईफोन यूजर हूं, तो यहां पे फीचर मेरे को नहीं मिलता है रिकॉर्डिंग का, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप कर सकते हैं तो कर लो, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। बात करते हैं आप सिक्स चीज के बारे में जो बहुत ज्यादा काम किया है एंड आप लोग काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, नेवर गो अलोन टू बाय। अब गाइस यहां पे आपको क्या करना है, अगर आपकी डील हो जाती है, आप ये सब चेक कर ले तो ठीक है भाई, बंदा आपको लग रहा है ट्रस्टेड है, तो आप लोग क्या करते हो भाई, अकेले चले जाते हो उससे मिलने। अब भाई क्या हो सकता है कि हर बंदे के नहीं होता, लेकिन बहुत से बंदे होते हैं, एंड मैंने काफी सारे केस देखे हैं, अगर आप काफी ज्यादा अच्छी डील कर रहे हो 40-50-60 हज़ार की, 1 लाख की, तो क्या होता है कि भाई वहां पे अगर वो अकेला बंदा आया और आप भी अकेले जा रहे हो, तो क्या पता भाई वो और 2-3 बंदों को बुला के जो आपके साथ कुछ कर दे। तो आपको इस चीज का ध्यान देना, अगर आप एक टीनेजर हो तो आप जरूर से अपने पेरेंट्स या फिर गार्जियन या फिर अपने किसी भी बड़े फ्रेंड को लेके जा सकते हो। मैं भी जो भी चीज परचेस करने जाता हूँ, जैसे OLX या फिर कहीं से भी, जब भी आप पे कर रहे हो, तो इधर जो आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पे भी करेंगे तो आप सब प्रूफ रहेगा कि वो बंदा भी आपके साथ रहेगा एंड वो भी रहेगा कि भाई मैंने इसको पे करा है। तो यहाँ पे आप सभी को ये चीजें ध्यान रखनी है। मैंने आपके साथ डिस्कस करी टोटल 6 ऐसी चीजें जो आपको जरूर से जो है दिमाग में रखनी है, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो OLX से नहीं, चाहे आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट से या फिर किसी भी जो इंस्टाग्राम से, बहुत से लोग इंस्टाग्राम से परचेस करने हैं, तो यहाँ पे आप इन सब चीजों को ध्यान रखना है, तो गाइस आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एंड मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे हो OLX बेकार है सब, ऐसा नहीं है, OLX बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ, काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं अब से नहीं भाई, बहुत पहले से, तो आपको OLX को, इसमें OLX की कोई गलती नहीं है, बस OLX से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इन स्कैमर्स के अगेंस्ट कुछ जो है एक्शन लो या फिर इनका अकाउंट ब्लॉक कुछ ऐसा कुछ कर दीजिए, बाकी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इतना अगर आप यूज करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो आप परचेज कर सकते हो। इतना था वीडियो में, अगर आपकी वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ऐसी वीडियोस में रोजाना चैनल आता रहता हूं, मिलता नहीं वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।